परिवार के लिए बना रही हूँ, पति के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए नहीं। मैं ये भोग भगवान के लिए और उसके परिवार के लिए। भगवान के लिए प्रसाद बनाइए, जो भाई जी पर बताते हैं मैं परम पवित्र। जाप लग जाए आपके मन में, जब आप भोजन बनाने पहुंचो तो आपकी तपस्या का वक्त शुरू हो जाए। ना किसी से बात करेंगे, शांति में रहकर योग युक्त होकर बाबा को साथ लेकर मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये स्वमान का अभ्यास करते हुए भोजन बनाइए। बड़ी श्रद्धा से बाबा को भोग लगाइए। एक टाइम जरूर आपके घर में संस्कारी बच्चे बनेंगे, चित्त शांत होंगे, आपस में प्रेम बनेगा, घर में बरकत होगी, भंडारे भरपूर होंगे, काल कंटक सब दूर होंगे। और ये बाबा का प्रॉमिस है, जिस घर में बाबा ने भोग स्वीकार किया हो रोज, पूरे 84 जनम उसको खिलाने की ड्यूटी जिम्मेदारी ऊपर वाले की होगी। विनाश काल में दुनिया भूखे मरे तो मरे, ओ भाई पक्के ब्राह्मण सुन लो मेरी बात, विनाश काल में दुनिया भूखे मरे तो मरे, लेकिन जिस घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया है, मैं वही बात कहूंगी, चाहे वो आकाश से गिराए, चाहे धरती फाड़ के दे, आपके हाथ में दाल रोटी अंतिम सांस तक होगी, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन भोग वही लगा सकता है अपने घर में जिसकी किचन में नॉन वेज ना बनता हो। अगर आपकी रसोई में नॉन वेज बनता है तो वहां का भोग बाबा स्वीकार नहीं करेगा। फिर आप रो मटेरियल्स का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट दूध